तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये बता देंगे कि किस तरीके से आप जो है किसी भी वीडियो को अगर काइन मास्टर में जब एडिट करते हैं तो वहाँ भी आपको एक समस्या आती है कि जैसे वीडियो को आप बीच से काटना चाहते हैं तो वो कट नहीं कर पाते हैं, और उसमें मान लीजिए कुछ आप इंट्रो डालना चाहते हैं या फिर कुछ और चीज़ वहाँ पर इंटर करना चाहते हैं तो आपसे हो नहीं पाता है। तो किस तरीके से इन सब चीज़ों को किया जाएगा आज के इस वीडियो में हम आपको बता देंगे, अच्छे तरीके से कट करना भी सिखा देंगे और किस तरीके से इंट्रो डाला जाता है, किस तरीके से वीडियो की और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा, जो कि काइन मास्टर में आपको ये सब पता होना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आपको बताते हैं ये सब चीज़ें किस तरीके से की जाती हैं। आपको काइन मास्टर ओपन करने लगा है, काइन मास्टर ओपन करने के बाद मैंने आपको वीडियो में क्या बताया कि आपको मैं इस वीडियो में बता दूंगा कि आप अपनी वीडियो को एडिट कैसे करेंगे। एडिट का मतलब ये हुआ कि वीडियो को मान लीजिए आप क्रॉप करना चाहते हैं, कहीं से उसको कट करना चाहते हैं और उसमें बीच में कुछ इंट्रो डालना चाहते हैं या फिर कोई और उसमें वीडियो डालना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें किस तरीके से की जाती हैं, वीडियो को शुरू में किस तरीके से कट करेंगे, लास्ट में किस तरीके से कट करेंगे, जो उसमें से अनवांटेड चीज़ें होंगे जो आप बीच में से उसमें से निकालना चाहते हैं वो किस तरीके से करेंगे, यही हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो करना क्या है, आपको वीडियो को सेलेक्ट करना है, उसके लिए यहाँ पर आपको प्लस आइकन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद जो YouTube की वीडियो बनती है वो 16:9 पे बनती है, तो यहाँ पे इसको 16:9 आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे मीडिया का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे चले जाना है, आपको वो वाली वीडियो चूज कर लेना है जो वीडियो आपको कट करना है, ठीक है। तो मैं चलिए एक वीडियो यहाँ पे चूज करता हूँ, यहाँ पे मैं ये वाली वीडियो, यही वाली वीडियो चूज करता हूँ, वो अपनी आज वाली है जिस वीडियो को आप देखें आज, तो इसी वीडियो को मैंने चूज किया है। इस वीडियो का अनवांटेड पार्ट जो है यहाँ पे शुरू में कुछ अनवांटेड पार्ट है, यहाँ पे जो मैंने बोलना नहीं किया था इस वीडियो में ये पार्ट है, यहाँ से यानी कि मान लीजिए मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैं 17 सेकंड पे वीडियो को अपनी कट करना चाहता हूँ, 17 सेकंड के इधर वाला पार्ट यानी कि मैं 17 सेकंड के पहले वाला पार्ट जो है 17 सेकंड में पूरा काटना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें सीजर वाले आइकन पर यहाँ पर क्लिक करना होगा, जो हमें ये दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या दिख रही है, चार चीज़ें दिख रही हैं, यहाँ पे ट्रिम टू लेफ्ट प्ले हेड, यहाँ पे जो आपका ये जो लाइन है ये वाली लाल वाली जो लाइन है इसको हम प्ले हेड कहते हैं, यानी कि जो आपकी वीडियो बज रही, जो आपकी वीडियो चल रही है उसका ये मेन पार्ट, उसका ये बता रहा है कि यहीं से आपकी वीडियो कट हो जाएगी। तो अगर आप लेफ्ट करेंगे तो आपकी इस साइड की वीडियो कटेगी, अगर आप राइट करेंगे तो इस साइड की पूरी वीडियो कट जाएगी। मैं चलिए लेफ़्ट करता हूँ, यहाँ पे लेफ़्ट करते ही हमारी इस साइड की पूरी वीडियो कट चुकी है, तो लेफ़्ट करते ही इस साइड की वीडियो कटेगी। और जैसे आप अगर यहाँ पे राइट करते हैं, मैं यहाँ से अंडू करता हूँ इसको, यहाँ पे अंडू का ऑप्शन, मान लीजिए आपसे गलत हो जाती चीज़ें तो यहाँ पे आपको इसको करके यहाँ से बैक आ सकते हैं, फिर से आपकी वही चीज़ जो है पूरी वापस आ जाएगी, ठीक है। तो मैं चलिए अंडू कर दिया हूँ, दो बार मैंने अंडू कर दिया इसलिए वो वीडियो भी कट हो गई। तो चलिए उस वीडियो को मैं लाता हूँ जल्दी से, यहाँ पे वीडियो आ चुकी है, तो मैं इसको यहाँ पे शुरू से कर दिया हूँ वीडियो को, और 17 सेकंड से मैंने काटा था, तो 17 सेकंड से काटना चाहे जहाँ से भी आपको लगे वहाँ से काट दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से मैं अगर फिर सीजर पर जाता हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन और है, ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड, यानी कि अगर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपकी 19 सेकंड की वीडियो बचेगी और राइट साइड की वीडियो जितनी भी है पूरी कट जाएगी। आपसे गलती हो गई है तो फिर यहाँ से अंडू कर दीजिए, ठीक है, पूरी वीडियो आपकी वापस आ जाएगी। और उसके बाद मान लीजिए इसी जगह आप वीडियो में डालना चाहते हैं अपना इंट्रो, तो आप इंट्रो डालने के लिए करेंगे क्या, स्प्लिट, यहाँ से मान लीजिए आप अपनी वीडियो की अनवांटेड पार्ट है इसको लेफ्ट से हटा दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद इतना आप बोले, मान लीजिए यहाँ से आप इंट्रो लगाना चाहते हैं वीडियो का, या शुरू से ही लगाना चाहते हैं, जहाँ से भी आप लगाना चाहेंगे वहाँ पर ऐसे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपकी क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जो लाइन है वही लाइन से आपका यानी कि 9 सेकंड से ही आपका इंट्रो स्टार्ट होगा, ये जो रेड लाइन है यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको फिर चले जाना है मीडिया में, मीडिया में जाने के बाद आपको वो वाली वीडियो लेनी है जो आप चाहते हैं यहाँ पर लगाने के लिए, ठीक है। मान लीजिए मैं यही वीडियो लेता हूँ, ये वाली वीडियो जो है हमारी इंट्रो की काम करेगी, ये थोड़ी बड़ी वीडियो है तो मैं एक एग्जांपल के रूप में आपको बताने की यहाँ पे कोशिश की है। तो आपका ये जो इंट्रो के रूप में यहाँ पे काम करने लगेगा और इंट्रो यहाँ पे आपका काम करेगा, ठीक है। ये शुरुआत में ही आ चुकी है, ये पूरा इंट्रो हो गई आपका, जो आप इंट्रो छोटा लगाएंगे तो छोटा ही रहेगा, ठीक है। ये शुरू में आ चुका है, इंट्रो आपका लगेगा, उसके बाद आपकी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी जो आपने कट किया था वहीं से, ठीक है। उसके बाद वीडियो का आता है लास्ट पार्ट, यहाँ पे लास्ट पार्ट पे आपको यहाँ से क्लिक करके यहाँ से कोने से शुरू और लास्ट में जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्लिक करेंगे फिर शुरू में आ जाएंगे फिर लास्ट में चले जाएंगे, लास्ट में ये वाला पार्ट हमें काटना है, ठीक है। ये
ये वाला पार्ट, ये यहाँ पे हमको लगता है कि हाँ मैं बोल चुका हूँ, उसके बाद बोलने के बाद यहाँ मैं इसको ले रहा हूँ अपने मोबाइल को, तो यानी कि उसके बाद हमको इसको काटने के लिए यहाँ पे वीडियो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ सीजर पर जाना है। सीजर पर जाने के बाद यहाँ पे ट्रिम टू राइट आप प्ले हेड यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये अब ये पार्ट जो है पूरा कट चुका है, वीडियो प्ले होगी तो यहाँ पे आके रुक जाएगी, बस हो गया, वीडियो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद मान लीजिए अगर आप इसमें, ठीक है, मान लीजिए इसमें आप कोई अगर लेयर देना चाहते हैं तो लेयर भी यहाँ से देख सकते हैं, वो मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा। मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला था कि अपनी वीडियो को आप इंट्रो किस तरीके से डाल सकते हैं, कहीं वीडियो के बीच में भी, वीडियो के बीच में कहीं पर भी डालना चाहें, जहाँ पर भी आपकी इच्छा हो वहाँ पर जाइए और सीधे मीडिया में चले जाइए, ठीक है। यहाँ पे वीडियो पे जाइए, यहाँ से जाने के बाद यहाँ से कट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ स्प्लिट टू प्लेहेड यहाँ पे क्लिक करिए, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे चले आना है, इस साइड में ऐड करना है तो इस साइड में चले जाना है इंट्रो, अगर इस साइड में लगाना है तो इस साइड में आपको चले आना है, ठीक है। जहाँ पे जाना है वहीं पे चले आना है, उसके बाद यहाँ पे मीडिया पे जाने के बाद वही इंट्रो आपको चूज करना है जो आप लगाना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद वो इंट्रो यहाँ पे इंटर हो जाएगा, फिर उसके बाद आप अपनी वीडियो को आगे पीछे बीच से भी कहीं से काट सकते हैं। मान लीजिए वीडियो को आप इतना वाला पार्ट काटना चाहते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ से और यहाँ तक वीडियो को काटना चाहता हूँ, फिर यहाँ पे मैंने क्लिक किया है, यहाँ पे मैं फिर क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पे हमें सीजर का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे फिर मैं जाऊँगा, फिर स्प्लिट ऐड प्ले हेड यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद हमें टिक पे क्लिक कर देना है। अब हमें ये वाला पार्ट बीच का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, क्या इस पर क्लिक करेंगे, ऐसे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, तो ये वाला पार्ट जो है वो रिमूव हो चुका है। अब ये स्टार्ट होगा, उसके बाद डायरेक्ट ये बजने लगा, ठीक है। तो आप बीच में से भी इस तरीके से वीडियो को काट सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा चीज़ जो है समझ में आया है। चलिए, तो इस तरीके से ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं जो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया अच्छे तरीके से। तो अगर आप नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कि काइन मास्टर में वीडियो किस तरीके से एडिट किया जाता है, आप पूरा अगर ट्यूटोरियल सीखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप हमें कमेंट करेंगे और हमें बताएंगे कि हम पूरा एडिटिंग जो है काइन मास्टर का सीखना चाहते हैं, तो हम एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आएंगे जो कि 25 से 30 मिनट की वीडियो होगी, उसमें हम काइन मास्टर की आपको पूरी जो कन्फ्यूजन है वो सब क्लियर कर देंगे और अच्छे तरीके से आपको एडिटिंग करना गाइन मास्टर में सिखा देंगे। चलिए, कमेंट करके बताइएगा अगर आप उस पर वीडियो चाहते हैं। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।